हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस सुबह के 8 बज चुके हैं और मैंने गाड़ी वगैरह सब चला ली है। थोड़ा सा वॉक वगैरह जो भी था वो मैंने कर लिया है और अब चाय पीने का समय हो चुका है, तो चाय पीते हैं। गाइस मैंने चाय ही ले ली है, 2 बड़े फ़ैन ले लिए हैं मैंने। फ़ैन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल कुरकुरे। और तो गाइस 8 बजे चाय मुझे इसलिए पीनी पड़ रही है कि मैंने सोचा कि दीदी और सबू उठ जाएंगी मेरे आने तक, पर वो लोग सो रहे हैं। तो फिर भाभी ने मेरे को चाय ला के दे दिया। भाभी ने बोला बाद में उनके साथ पी लेना थोड़ा सा, आप अभी पहले खा लो ये। तो मैंने सोचा ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेंगे उनके साथ। गाइस देखिए क्रंची जैसी आवाज़ आ रही होगी आपको, नहीं भी आ रही होगी, मुझे तो आ रही है। फ़ैन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फ़ैन मैंने कल लिए थे अनुराग बेकरी से, जो अपने घर के पास में ही है, वहीं से लिए थे मैंने। और मैंने सोचा था नॉर्मल फ़ैन अपन खाते ही हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से बड़े फ़ैन भी ले लेते हैं, खा के देखते हैं कैसे लगते हैं। पहले भी खाया था, बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा दीदी और सब आई हुई है तो बड़े लेते हैं। तो बड़े मैंने ले लिए थे, वहाँ का थोड़ा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ का शूट बाद में करेंगे। तो गाइस इंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ब्रेकफास्ट अभी बन रहा है और ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है? दाल पकवान। दीदी की फरमाइश है ये कि दाल पकवान खाना है आज बड़ी दीदी की। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर बना रही है और उसका आपको टेस्ट करके बताएंगे। ब्लॉग पर बने रहे। भगवान कितना ज्यादा चुप करूँगा। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो गाइस अब इसका टेस्ट करने वाली है मेरी सिस्टर, जिन्होंने ये बनाया है, और वो टेस्ट करके बताएंगे आपको सब लोगों को। और अगर आप सब लोगों को जब ये अच्छा लगे तो आप सब लोगों तक मेरी सिस्टर रेसिपी शेयर भी ज़रूर करेंगे। और दाल पकवान है ये, फेमस है बहुत, तो कराते हैं उनसे टेस्ट। दीदी मेरी छोटी सिस्टर इसका टेस्ट करने वाली है। कैसा है? बहुत अच्छा बना है। तो गाइस बहुत अच्छा बना है और भैया ने भी खा लिया है, तो अब इसको फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। आहा तो गाइस मैंने नहा लिया है और अब लंच करेंगे। और अभी वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं, क्योंकि इतना लेट लंच अभी इस वक्त इसलिए कर रहे हैं गाइस हम सब लोग, क्योंकि दाल पकवान का ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट हम सब लोगों ने 11:30 बजे किया था, इसलिए 2 बजे खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। और लंच करते हैं, अभी खाना लेने गई हुई है नीचे, अभी मैं बीच में हूँ ये देखिए। तो टीवी देखते देखते लंच करेंगे, बातें करेंगे, आज टीवी देखेंगे बहुत दिनों बाद, तो करते हैं। हैं कढ़ी पकौड़ा दीदी ने बनाया है ये, और इसके साथ प्याज है। आज लंच में हम सब लोग यही खा रहे हैं, तो इसका टेस्ट करके बताते हैं अभी आपको। बहुत दिनों से मेरा कढ़ी पकौड़ा खाने का मन था बहुत, और आज वो खा लिया मैंने, दीदी ने बनाए हैं इसलिए मैंने खा लिया, वो भी मेरे पसंद के, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने। तो गाइस शाम के 7:30 हो चुके हैं और मैंने डिनर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैंने कढ़ी पकौड़ा खा लिया था दोपहर में, तो मेरा पेट अभी भी ऐसा हो रहा है। मैंने मंदिर वगैरह सब हो लिया है, दर्शन वगैरह कर लिए हैं, टीका थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आप सब लोगों को। तो गाइस मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ पे टहल लूँ और थोड़ा सा शूट कर लूँ, क्योंकि फिर डिनर करते वक्त पता नहीं शूट करना हो या ना हो, और कल का जो ब्लॉग आने वाला है ना वो इंटरेस्टिंग होगा, तो आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहे। तो गाइस मेरे ब्लॉग्स जहाँ तक कि मुझे लगता है ना, मतलब मैं मेरे को लगता है, मुझे आप लोगों को पता नहीं है,
जहाँ तक कि मुझे लगता है ना मेरा, कि मैंने ना इस ब्लॉग के लिए थोड़ी बहुत मेहनत की है, और जहाँ तक कि मुझसे जो हुआ है वो मैंने करने की बहुत कोशिश की है, बाहर का घर का जो भी है। आप सब लोग समझते होंगे, जो भी यूट्यूबर है वो सब लोग। तो गाइस डिनर करेंगे, तब थोड़ा शूट करना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप सब लोग समझ लेना कि इस ब्लॉग का यही एंड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आप देख सकते हैं कौन हम सब लोग कौन खा रहे हैं। वो मैं भी पिघल गई। देखिए ये दीदी की, ये मेरी, ये मेरी, ये इंदु की। एक मिनट रुको मत। अम्मा अम्मा हां ये इंदु की है, ये ना मेरी है, निखिल की है। पापा जी जा रहे हो, तू इधर बैठ जा। तू क्या तो गाइस के लिए क्या, बड़े मजा आ रहे हैं। बाहर का शूट किया नहीं मैंने, मैं और निखिल हम दोनों लेने गए थे, सामान भी लेने गए थे हम, और आइसक्रीम भी लेने गए थे। सब लोगों का बहुत मन था, इसलिए अब इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।